हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करने के काफ़ी सारे फायदे हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट करोगे, जैसे फोटो, वीडियो या फिर स्टोरी, तो वो आपके फेसबुक अकाउंट पे भी ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इसके फायदे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक को इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग फेसबुक को इंस्टाग्राम से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है। और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, और दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा नीचे कॉर्नर में, राइट साइड में प्रोफाइल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, तो आपको इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। और अब दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर कॉर्नर में, राइट साइड में थ्री लाइन का, तो आपको इस थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। और दोस्तों, आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, तो दोस्तों आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहला सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेंटर, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड ये लोडिंग लेगा। दोस्तों, आपको वेट करना है और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, और अब दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स का, तो आपको अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर दोस्तों आपका इंस्टाग्राम अकाउंट शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अकाउंट, आपको सिंपली ऐड अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और इसमें दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ऐड फेसबुक अकाउंट, ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आपको इंस्टाग्राम के साथ फेसबुक अकाउंट ऐड करना है, कनेक्ट करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर ऐड फेसबुक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर दोस्तों, ये लोडिंग लेगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपको शो हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आपका जो प्रोफाइल यूज़र नेम है वो आपको शो हो जाएगा एंड दोस्तों यहाँ पर आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो भी आपको शो हो जाएगा इस तरह से। दोस्तों, अगर आपने अपना फेसबुक अकाउंट अपने मोबाइल में लॉगिन कर रखा है तो दोस्तों आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर शो करेगा इसी तरह से, जैसे दोस्तों यहाँ पर मेरा फेसबुक अकाउंट आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों, आपको फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम अकाउंट से कैसे कनेक्ट करना है, तो देखिए दोस्तों, आपको इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा कंटिन्यू, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा यस फिनिश एडिंग, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और ये लोडिंग लेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर वेट करना है 10-15 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं वेट करता हूँ और देखिए दोस्तों, मेरा फेसबुक अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब दोस्तों दो अकाउंट शो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, बैक आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें एक ऑप्शन मिलेगा शेयरिंग एक्रॉस प्रोफाइल्स, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर दोस्तों आपको ये देखिए आपका फेसबुक अकाउंट शो करेगा, ठीक, सॉरी गाइस, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट शो करेगा और आपके यहाँ पर फेसबुक अकाउंट भी शो करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने यहाँ पर इंस्टाग्राम यूज़र प्रोफाइल नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पर ये लोडिंग लेगा और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखिए दोस्तों, शेयर फ्रॉम और शेयर टू, तो आप जो भी इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे वो आपके फेसबुक अकाउंट पे भी ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेटिंग करना है,
ये देखिए यहाँ पर ऑफ हो गया दोस्तों, जैसे योर इंस्टाग्राम स्टोरी, योर इंस्टाग्राम पोस्ट, योर इंस्टाग्राम रील्स, तो ये सब आपको यहाँ पर ऑन करना है, अलाउ करना है। तो सबसे पहले आपको इन पर क्लिक कर देना है और देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है, ठीक है। अब आपको इसमें सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो भी परमिशन मांगेगा परमिशन आपको अलाउ कर देना। ये देखो दोस्तों ये भी ऑन हो चुका है, यानी कि दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करोगे तो आपके फेसबुक अकाउंट पे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा, और फिर दोस्तों आप जो भी पोस्ट करोगे वो भी ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक अकाउंट पे शेयर हो जाएगा, और आप अपने इंस्टाग्राम पे जो भी रील्स अपलोड करोगे वो भी आपके फेसबुक अकाउंट पे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।